नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर आज वोटिंग का सिलसिला जारी। आज ईवीएम में कैद होगी 3498 उम्मीदवारों की किस्मत। सीएम मनोहर लाल ने अग्निपथ का एक बार फिर किया समर्थन। सीएम बोले, बहकावे में ना आए युवा। ₹15,000 रिश्वत लेते खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का फूड इंस्पेक्टर किया काबू। विजिलेंस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर वोटिंग का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। मतदाता सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग करेंगे। वहीं 22 जून को मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। इस समय प्रदेश के 18 नगर परिषद व 28 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष व पार्षद पद के लिए मतदान हो रहा है। वहीं ये मतदान कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर विधानसभा और पंचायत चुनावों में देखने को मिलेगा। नगर निकाय चुनाव दिलचस्प इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि भाजपा, जसपा, आप और इनेलो पार्टी चिन्ह पर लड़ रही है। वहीं कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दिया हुआ है। बता दें कि नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए मैदान में 185 उम्मीदवार हैं और नगर पालिकाओं में 220 प्रत्याशी अध्यक्ष पद की रेस में हैं। और वहीं 405 अध्यक्ष पदों के लिए मतदान सुबह से जारी है। इस बार प्रदेश में 2087 पुरुष प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और साथ ही 1411 महिला उम्मीदवारों ने भी मैदान में उतरकर टक्कर देने का काम किया है। आज 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। सेना में ट्रेनिंग और 4 साल की नौकरी करने के बाद पास 20 से 25 लाख रुपए की राशि होगी और इसी के साथ वे युवा किसी भी नौकरी के लिए एक बेहतर कैंडिडेट होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अग्निपथ का विरोध करने वालों को समझना चाहिए कि सरकार यह योजना उनके भले के लिए लेकर आई है। इस योजना के जरिए न सिर्फ युवाओं को छोटी उम्र में ही सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, बल्कि सेना में 4 साल नौकरी करने के बाद उनके पास एक अच्छी ट्रेनिंग का अनुभव होगा। इसी के साथ हर अग्निवीर के पास 20 से 25 लाख रुपए की राशि होगी, जिससे वे कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। यही नहीं, अग्निवीरों को स्टेट या केंद्र में नौकरी के लिए वरीयता भी दी जाएगी। देश प्रदेश के युवाओं के किसी के भी बहकावे में आकर ये हिंसक प्रदर्शनों से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 6,500 पुलिस कर्मियों का परिणाम भी हाल ही में घोषित किया गया है। युवाओं को नौकरी देना हमारी प्राथमिकता पहले से ही रही है। टोहाना में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने कहा है कि शहर में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। गठबंधन प्रत्याशी रमेश गोयल भारी मतों से जीत दर्ज करेगा। निशान सिंह ने कहा कि पूर्व भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के पास वे चुनाव में सहयोग के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया। वे उनके प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गठबंधन प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा। टोहाना में पूर्व भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि आमजन से यह अपील करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मतदान प्रक्रिया में भाग लें। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन के सवाल पर बराला ने कहा कि वे इसका जवाब बाद में देंगे और लोगों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रक्रिया में भाग लें और शांतिपूर्ण मतदान करें। आपके विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र जो नगर परिषद तो आना है जी, उसमें चुनाव हो रहे हैं जी, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं सबसे पहले तो टोहाना नगर परिषद क्षेत्र जो है उसके सभी जागरूक मतदाताओं से एक अपील करूँगा कि वो आज लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व होता है, त्यौहार होता है चुनाव, वो चुनाव आज त्यौहार के रूप में आया है, तो सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने घरों से निकल करके करके आए। चुनाव के समय में कई तरह का बूथों के ऊपर, बूथों के अंदर बाहर किसी न किसी कारण से तनाव बनने का भी कई बार कारण बन जाता है, तो मेरी सब जागरूक मतदाताओं से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करते हुए शांति भी बनाए रखें और टोहाना की तरक्की के लिए अपना वोट दें। बहुत स्मूथली चल रहा है और लोगों के अंदर उत्साह है। लोग स्वेच्छा से 7 बजे जब पोलिंग स्टार्ट हुआ तो तभी से आकर के लाइनों में लग गए। तो सारे शहर में जहाँ जहाँ हम गए हैं
बहुत अच्छा चल रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के नेता, वो साथ नहीं आए तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा चुनाव पर? देखो, इसका जवाब तो वही नेता दे सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। हमने तो उनको आह्वान किया था, उनके घर जा कर के कहा था, तो वो नहीं आए, उनकी मर्जी है। लेकिन चुनाव हम जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। टोहाना शहर के वार्ड नंबर 19 स्थित बूथ नंबर 40 पर पार्षद प्रत्याशी मनीष सिंगला ने आरोप लगाया कि अन्य प्रत्याशी मतदान केंद्र में घुसे हुए हैं, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और पोलिंग रोक दी गई। मामले की सूचना पाकर एसडीएम अनिल कुमार व डीएसपी शाकिर हुसैन मौके पर पहुंचे और समझाकर मतदान शुरू करवाया। इस दौरान कुछ समय के लिए मतदान रुका था। देखिए, मैं हर पोलिंग बूथ पे घूम रहा हूं, ऐसा सच कोई विवाद नहीं है, और अगर छोटा मोटा इशू था वो हमने इनको दिखा दिया। कोई विवाद नहीं चल रहा, बड़े आराम से इलेक्शन चल रहा है, और यही प्रशासन की मंशा है कि बड़े शांतिप्रिय तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो है ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट है। सर, कुछ सुनने के लिए काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये देख के हमें भी अच्छा लगता है। लाइनें लगी, मतदान रुका था कुछ समय पहले? मतदान रुका नहीं है, वो छोटा सा इशू आ गया था, वो तो उन्होंने प्रेजाइडिंग अफसर अच्छा है कि भाई इशू एस्केलेट करने से पहले जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया। आप देख ही रहे हैं, आप खुद ही एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से मेरी यही अपील है, आप इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और शांतिपूर्वक तरीके से, आराम से इसको एक पर्व की तरह, त्यौहार की तरह अपनाएं और इसमें पार्टिसिपेट करें, मतदान को जो है अच्छी तरह चलाएं। हर बूथ पे जो है पार्टिसिपेशन मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और लोग धीरे धीरे, आज मौसम भी अच्छा है तो उस वजह से काफी लोग मतदान के लिए जो है आगे आ रहे हैं। अम्बाला के नारायणगढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां नगर पालिका चुनाव में ड्यूटी पर जाते समय महिला एएसआई की हादसे में मौत हो गई। मृतक महिला एएसआई सुमन पुलिस थाने में तैनात थी और वह आज सुबह अपने घर कैथल से नारायणगढ़ नपा चुनाव में ड्यूटी पर जा रही थी। बताया जा रहा है कि हादसा अम्बाला नारायणगढ़ मार्ग पर गांव गरगनाला के पास सुबह करीब 6 बजे हुआ। एएसआई सुमन की गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। राहगीरों ने डायल 112 पर फोन कर हादसे की सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 15,000 की रिश्वत लेते छछरौली से फूड एंड सेफ्टी विभाग के इंस्पेक्टर पवन कुमार को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विजिलेंस इंस्पेक्टर के अनुसार फसल की पेमेंट रिलीज करने के लिए फूड एंड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर पवन कुमार मंडी आरती से 45,000 की रिश्वत मांग रहा था। शिकायतकर्ता छछरौली निवासी गुरुचांद ने शिकायत और रिकॉर्डिंग विजिलेंस विभाग को दी। शिकायत के आधार पर 15,000 रंग लगाकर आरती को दिए गए, जिस पर फूड एंड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर पवन कुमार को बुला लिया गया। जैसे ही 15,000 इंस्पेक्टर पवन कुमार को दिए, पीछे से विजिलेंस की टीम ने उसे पकड़ लिया और उसके पास से पैसे भी बरामद कर लिए। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आज गुरुचांद वासी छछरौली, जिसकी आरती खिजराबाद मंडी में है, हमारे पास एक कंप्लेंट लेके आया। उन्होंने हमारे को बताया कि 12/4/2022 को एक किसान जो डार्को का रहने वाला है, उसने 55 क्विंटल गेहूँ मेरी दुकान पे ला के डाली थी एज पर रूल, और मैंने उसका जे फार्म, जो किसान का फार्म काटते हैं, वो काट दिया था। सरकार ने वो गेहूँ खरीद ली, परंतु उसकी पेमेंट रिलीज नहीं की। उसके बार बार चक्कर काटने पर जो पेमेंट रिलीज नहीं हुई, परेशान हो गया, हमारे पास आया और उसने उससे 45,000 रुपये की डिमांड कर रखी थी, जिसमें से मात्र 15,000 रुपये ही बना सका, जिसको आज उसके मांगने पर ये रिश्वत 15,000 रुपये इंस्पेक्टर पवन कुमार को दे दी, जिसको हमने रंगे हाथों पकड़ दिया। और हमारे साथ हमारी टीम में ड्यूटी में स्टेट तहसीलदार साहब और छाया हुआ शामिल थे। तो सर, ये कब से तंग कर रहे थे उसको? 12/4 के बाद पेमेंट नहीं, 86 घंटे के अंदर पेमेंट होनी चाहिए। 86 घंटे सरकार का ऑर्डर है, 86 घंटे का पेमेंट होगी, लेकिन ये तो बहुत लंबा टाइम का निकाल दिया। आगे के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? आगे से पूछताछ करेंगे, देखते हैं इसके तार कहीं आगे जुड़ते हैं कहीं, और भी इसके साथ कोई अवसर मिला तो बहुत हो गई है, मिली बच्चे तो नहीं ऐसा काम सर। तो इसको कहाँ से गिरफ्तार किया? हमने छछरौली से पहले मेन रोड पर ही एक ढाबा है, उसके पास इनकी टेलीफोन पर डीलिंग हुई थी, वहाँ मिलूंगा मैं, वहाँ पैसे लेकर आया।
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ पिछले कई दिनों से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में भी कई जगह हिंसक प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं फरीदाबाद डिपो की दो बसों को प्रदर्शनकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश में आग के हवाले कर दिया गया और इसके बाद एहतियात बरतते हुए हरियाणा रोडवेज के यूपी जाने वाली बसों पर ब्रेक लगा दिया गया। अब फरीदाबाद डिपो से कोई भी हरियाणा रोडवेज की बस यूपी के किसी रूट पर नहीं जाएगी। पलवल, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, होडल, हथीन, पुनहाना, पिनोवा, हसनपुर की ओर जाने वाली सभी बसों को रोकने के आदेश हुए हैं। यह निर्णय परिवहन विभाग द्वारा निश्चितकरण के लिए लिया गया है। वही रोडवेज के इस निर्णय से हरियाणा से यूपी जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे करीब एक दर्जन यूपी के रूटों पर आवाजाही प्रभावित होगी। फरीदाबाद में स्टेट क्राइम की लगातार कार्रवाई के बाद भी बाल श्रम के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला फरीदाबाद की एक नंबर मार्केट से सामने आया, जहां अलग अलग दुकानों पर काम करते नाबालिग बच्चों का स्टेट क्राइम ब्रांच और सीडब्ल्यूसी की टीम ने करवाते हुए 10 बच्चों का रेस्क्यू कर बाल मजदूरी से मुक्त कराया है और बाल मजदूरी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। ये सही नेत्राम कांस्टेबल मोहल्ला SCB फरीदाबाद। कुछ बच्चों का रेस्क्यू किया है, कहाँ से किया गया है बच्चों का रेस्क्यू, क्यों किया गया है? सर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जिसमें चाइल्ड लेबर इंस्पेक्टर, CWC, BCW स्टाफ, चाइल्ड लाइन और SCB फरीदाबाद चारों टीमों ने मिलकर के ये ऑपरेशन किया है। इसमें एक नंबर मार्केट से 10 बच्चे बाल श्रम करते हुए रेस्क्यू किए हैं अलग अलग दुकानों से, जिनकी अलग अलग उम्र हैं, 12 से लेकर के 16 साल तक के बच्चे हैं। अच्छा, तो क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? कौन कौन सी टीमें शामिल थी इसमें? इसमें चार टीमें शामिल हैं, एक चाइल्ड लेबर इंस्पेक्टर, एक SCB फरीदाबाद, एक DCPU स्टाफ, एक चाइल्ड लाइन फरीदाबाद। तो भी क्या कार्रवाई की जा रही है जिन दुकानदारों के खिलाफ जो चाइल्ड लेबर करा रहे थे? अभी इनका थाने में इतला दे करके, वहाँ से DD करा करके इनका शारीरिक परीक्षण BK में कराया है। अभी इनको CWC चेयरपर्सन के पास में पेश किया जाएगा, जो भी चेयरपर्सन का आदेश होगा वो फॉलो किया जाएगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार और समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।